बच्चों आप देख रहे हो, बच्चों मेरे हाथ में क्या है इस समय, इसी की तैयारी, इसको पाने के लिए आप एक वर्ष कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोई दो वर्ष से मेहनत कर रहा है। कुछ लोगों को बच्चों ये मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो बच्चों यह वह पुरस्कार है जब आप MBBS की परीक्षा के लिए NEET UG की परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको ये यंत्र, जिसको कहते हैं, जो डॉक्टरी का एक बहुत बड़ा यंत्र है, आपको ये क्या है, मिलता है। तो बेटा ये कड़ी मेहनत का एक परिणाम है, कड़ी मेहनत का एक रिजल्ट है, एक भगवान स्वरूप है, एक गॉड स्वरूप है, जो डॉक्टर को रखना रहता है जीवन पर्यंत। तो आज बेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप लोग जानते भी हैं, क्लास में आपके बीच में ही बैठी हुई छात्रा है, क्लास के बीच से ही निकली है, जो बहुत ही समर्पित, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही प्रतिभावान। बच्चों 720 में 668 मार्क्स आए हैं, शालिनी चौधरी। तो आज हमारी एक छोटी सी मुलाकात, कैसे इन्होंने पढ़ा, कैसे भविष्य में, और अपने जो जूनियर हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, किसी कारणवश रुक गए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं और आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तैयारी के दौरान जो उतार चढ़ाव आए, किस तरह से इन्होंने इसको फेस किया, कैसे इसको ध्यान दिया, ये सब आज बताएंगे। 12th गोरखपुर के राजकीय AD इंटर कॉलेज से इन्होंने क्या है पास किया है। उत्तर प्रदेश UP बोर्ड की एक छात्रा हैं, जिन्होंने बहुत ही लगन और परिश्रम के साथ उत्तर प्रदेश में आज एक मुकाम क्या है कायम किया है, और काबिले तारीफ है। आप लोग इनको फॉलो करिए, अनुसरण करिए और कोशिश करिए कि आप लोग भी इनकी तरह बन पाए। तो मैं शालिनी चौधरी को बुलाना चाहूंगा, आइए शालिनी चौधरी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा इस कामयाबी के लिए, बहुत ही बधाई इस कामयाबी के लिए। इसी तरह से खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, और आज तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही होगी, लग रहा होगा कि आज तुमने जो सोचा था, जो सपना देखा था, वो आज क्या है, मिल गया कि नहीं? हाँ सर, जो सपना देखा था वो मिल गया। तो बहुत अच्छी चीजें हैं बेटा, ये जो सपना देखा था आपने, क्या है, मिल गया। और इस सपने को साकार करने में आपने बहुत ही क्या है कष्ट झेला होगा, बहुत ही संघर्ष किया होगा, आपके घर परिवार वाले भी बड़ी मेहनत किए होंगे आपके आगे पीछे, कोचिंग संस्था, आपकी किताबें, सब काफी इंपॉर्टेंट रही होंगी। और जब कुछ मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब तक नहीं मिलता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जर्नी आप अपने पिताजी के साथ और आनंद मिश्रा जी के साथ ये बातें शेयर करें और आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि किस तरह से पढ़े, क्या करें कि वो भी सेलेक्ट हो सके। आपके जो बीच के जो बच्चे हैं, जो इस समय ये पूछ रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी बात उतना नहीं मानेंगे जितना आपकी बात मानेंगे। हो सकता है कि कोई भी दो चार आपको देख के अगर बदल जाए तो आपका जीवन जितना डॉक्टर बन के धन्य नहीं हुआ होगा, उतना आप ये क्या कह के धन्य हो जाएगा। कोई भी आपको देख के अगर दो चार लोग बदल गए, कोई भी प्रेरणा स्रोत आप बन गई, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस जर्नी को क्या है आप सबके साथ शेयर करें और इस पे अच्छा करें। तो मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आनंद मिश्रा जी आए पर चर्चा की बात करें। हाँ बेटा, पहले तो मैं तुम्हारी सफलता पे तुमको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है बेटा आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, पिछले दो सालों की मेहनत आज सफल हो गई सर। धन्यवाद बेटा। और बेटा अपने बारे में बताओ, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, कुछ बताओ अपने बारे में। सर जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम शालिनी चौधरी है
और नीट यूजी 2023 में मैंने 668 मार्क्स प्राप्त किए हैं और मेरा ऑल इंडिया रैंक 3145 है। और मेरे पापा मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी हैं और ये डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, ये पोस्ट है जंगल कौड़िया में। और मेरी मम्मी विनोद देवी एक हाउस वाइफ हैं सर। और बेटा जब रिजल्ट आया तो तुमने सबसे पहले किसको बताया रिजल्ट, तुमने स्वयं देखा या किसी रिलेटिव ने, पापा ने, मम्मी ने या किसी ने बताया रिजल्ट? हम मम्मी पापा तीनों लोग रात में साथ में ही देखे, लगभग 11 बजे के करीब में रिजल्ट देखा। मार्क्स तो कहीं ना कहीं पहले से पता था कि आ जाएगा, 650 के करीब में आ जाएगा, लेकिन एक सियोरिटी थी कि आए नंबर रैंक सबके साथ में आए, तो वो रात में 11 बजे हम लोगों ने साथ में देखा और बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देख करके। हम मम्मी पापा आंखें भी थोड़ी नम हो गई साथ देख करके रिजल्ट, चलो आज हो गया। मेरे मम्मी मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनत किए आज के इस दिन के लिए। मेरे पापा तो हमेशा बस एक ही बात कहते थे कि बस मेरी नौकरी करने का एक ही बस है कि तुम लोग सफल हो जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, बस एक ही बात हमेशा कहती थी। मेरी मम्मी हम लोग के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, सुबह उठे उनकी तबीयत भी खराब रहती थी बीच बीच में, पिछले साल उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन फिर भी वो अपना सब कुछ भूल करके बस हम लोगों के लिए टिफिन बनाना है, सुबह जल्दी उठना है, ठंडी हो या गर्मी हो हमेशा त्याग करती थी कि हमारे बच्चे किसी के लायक हो जाए, सफल हो जाए, बस कुछ कामयाबी मिल जाए। तो बेटा ये तुम्हारा, तुम शहर कहाँ के रहने वाले बेटा? सर हम सिद्धार्थनगर जिले के एक छोटे से गाँव गंगवल से रहने वाले हैं सर। बेटा तुम्हारा एजुकेशन कहाँ पे हुआ है? सर प्राइमरी एजुकेशन तो मेरा कुशीनगर खड्डा में हुआ था और 11 ट्वेल्थ मैंने एडी राजकीय इंटर कॉलेज से गोरखपुर से किया था और फिर उसके बाद तैयारी गुरुकुल से किया है। तो बेटा घर पे पढ़ने का माहौल कैसा था? पढ़ने का माहौल तो कहीं ना कहीं था घर पे कि वैसे पापा थे मेडिकल डिपार्टमेंट में थे तो देख के लगता था कि नहीं मुझे भी करना है, मेरे पापा उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जॉब करने, लेकिन उनकी डॉक्टर की पोस्ट नहीं थी, जैसे एक होता है कि एक डॉक्टर एक ऑफिसर की पोस्ट हो। तो क्लास 6-7 में ही हम लोग साथ में रहते थे, हमेशा मेडिकल क्वार्टर में हम लोग रहे हैं हमेशा से, तो एक लगता था डॉक्टरों को देख करके कि एक दिन हम भी ऐसे डॉक्टर बनेंगे, हम भी ऐसे जाएंगे, हमारे भी पीछे ऐसे पेशेंट्स जाएंगे, मेरे पापा को भी अच्छा लगेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं तो था थोड़ा बैकग्राउंड पीछे से, लेकिन पापा की मेहनत सर आज जो भी है सब। और बेटा ये क्या करना चाहोगे स्टूडेंट की, घर पे किस तरह से तैयारी करें, इंस्टीट्यूट पे आके किस टाइप की तैयारी करें, मैंने पढ़ने का जो शेड्यूल होता है वो किस टाइप का रखें? पढ़ने का शेड्यूल आप जिस भी कोचिंग से हो जहाँ भी हो आप उसको फॉलो करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। देखिए फैमिली मेंबर में क्या होता है कि आपको फैमिली में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी कोई किसी का आना जाना है हमेशा लगा रहता है, तो आपको इन सब से थोड़ा सा बच के रहना है, अपना अपने कोचिंग आए पढ़ें, अपना शेड्यूल बनाएं आपका जो भी है उसको फॉलो करें, और रोज का रोज आपको कल क्या करना है उसको रात में पूरा शेड्यूल लिख करके रखें कि मुझे कल ये चैप्टर्स या ये टॉपिक्स करने हैं। अगर आपने वो डिसाइड नहीं किया है तो फिर आप सुबह उठेंगे तो लगेगा कि क्या करें, ऐसे रैंडम पूरा दिन बीतता है। और आपके पास अगर पहले से कोई शेड्यूल बना हुआ है कि हम सुबह उठेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, वहां से आएंगे तो हम ये चैप्टर्स ये टॉपिक्स करेंगे, तो आपका पूरा दिन वो डिफाइंड रहेगा कि आपको ये टारगेट लेना है। और बहुत बड़ा बड़ा टारगेट मत रखें कि जैसे जिसको पूरा करने में आपको जैसे पूरा एक चैप्टर ले लिया तो फिर वो कब कंप्लीट ही नहीं कर पाया, छोटा छोटा टारगेट रहेगा तो आप उसको रोज का रोज कंप्लीट कर पाएंगे और फिर आगे कर पाएंगे। अच्छा बेटा ये नीट के सिलेक्शन में जो सभी लोग सक्सेस वाले कहते हैं, हर स्टूडेंट कहता है एनसीईआरटी का रोल, तो बेटा तुम क्या समझते हो एनसीईआरटी का रोल क्या है? नीट एग्जाम के लिए तो एनसीईआरटी ही सब कुछ है, जैसा एनटीए भी अपनी तरफ से बोला है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस है। पिछले 5 सालों का पेपर आप उठा के देखेंगे तो हमेशा से बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आए हैं, तो एनसीईआरटी को तो पूरी तरीके से फॉलो करो। जैसा हमारे एसकेआर सर कहते हैं भी हैं कि हम ना एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी से कुछ कम पढ़ेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और एनसीईआरटी में भी फिजिक्स को लेकर के लोगों को बड़ा डर रहता है कि फिजिक्स के लिए क्या करें, कैसे पढ़ें, नहीं हो पाता है। तो फिजिक्स में आप फॉर्मूला बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको पढ़ें, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लगाएं। और हमारे एसकेआर सर हमेशा एक बात कहते हैं कि डॉक्टर बनने से पहले और डॉक्टर बनने के बाद याद रखें बस छोटी छोटी बात, तो मैंने इसको बहुत फॉलो किया कि फिजिक्स में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लगाएं, फॉर्मूला पढ़ें, एक साथ आप अगर बड़े न्यूमेरिकल लगाने बैठ जाएंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे कि मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाएं, फिर आपसे बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगेंगे। अच्छा बेटा जो तुम्हें बच्चे ऑनलाइन के फेरे में फंसे हुए हैं कि नहीं नहीं ऑनलाइन पैक ले रहे हैं, ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं,
वो ऑफलाइन से क्या है कि नहीं सर हम घर पे पढ़ ले रहे हैं, हो जा रहा है, तो बेटा उनके लिए क्या तुम मैसेज देना चाहती हो? क्या वो घर पे पढ़ सकते हैं, व्यवस्थित पढ़ सकते हैं? ऑफलाइन का विकल्प हो सकता है क्या ऑनलाइन, इसके बारे में बेटा क्या बता सकते हो? सर ऑनलाइन के लिए क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जो कि हालांकि फैमिली सपोर्ट तो आपको मिल जाती है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ऑनलाइन के लिए, और ये बना पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों तरफ है। हम ऑनलाइन खोलते हैं, आप खोले पढ़ने के लिए, आपको कोई रील्स दिख गया या कुछ और दिख गया तो बड़े आसानी से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मैं तो कभी ऑनलाइन ऐसे नहीं पढ़ी ज़्यादातर क्योंकि मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, मैं अपना बताती हूँ, तो ऑनलाइन मुझसे तो नहीं हो पाया था। हाँ एक्सेप्शन है भाई, हर जगह बच्चे हो सकते हैं लेकिन मुझे तो ऑफलाइन ही हमेशा बेस्ट लगता है क्योंकि वहाँ पढ़ने के संसाधन बहुत हैं तो डिस्ट्रैक्शन के भी संसाधन बहुत हैं और अपने आप को डिसिप्लिन इतना ज़्यादा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। और फिर क्या होता है कि हम दिन भर घर में रहते हैं, बाहर किसी से मिलते नहीं हैं तो एक डिप्रेशन टाइप का फील होने लगता है। जैसे दिन बीतते हैं, एग्ज़ाम पास आता है तो ना कोई फैमिली वाले हैं, ना कोई ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई आपको टीचर ऐसे मिल पाता है कि सामने से आप उसको बताएं कोई बातें कहें, तो एक डिप्रेशन वाला और एक वैकेंसी कहीं ना कहीं अंदर आ जाती है। तो इस वजह से मैं तो हमेशा ऑफलाइन को प्रिफर करूंगी। वहाँ पे आप जाते हैं, अपने टीचर से मिलते हैं, आपका एक ग्रुप होता है वहाँ पे, आप डिस्कशन करके पढ़ सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी अगर आपको थोड़ा हुआ तो टीचर तुरंत आपको डांट देगा कि ये क्या कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे, आपके नंबर अगर कम हुए तो टीचर तुरंत बोलता है कि बेटा ये क्या हुआ, नंबर कम हो रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो। आपकी जो क्वेरीज हैं आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मुझे तो ऑफलाइन सर ज़्यादा अच्छा। बेटा ये टेस्ट का क्या महत्व होता है नीट में सिलेक्शन में, थोड़ा इसके बारे में बताओ, भी स्पेशली हमारा जो टेस्ट सीरीज होता है जो कि बहुत फेमस है पूर्वांचल हाँ, में हाँ, उसके बारे में थोड़ा बच्चे को बताओ जो थोड़ा उस इंस्पायर हों कि क्या टेस्ट का वैल्यू होता है, क्या महत्व होता है, उससे एक रिदम आपका जो बनता है जो ऑनलाइन टेस्ट भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उससे और ऑफलाइन में जो ज़्यादा अंतर होता है उसके बारे में बेटा कुछ बताओ। कि हमारा टेस्ट सीरीज जो ETS के नाम से हम लोग जानते हैं की विशेषताएं कुछ बताओ कि कितना बेहतरीन है, क्या है यहाँ के टेस्ट के बारे में? तो यहाँ DTS होता है, डेली टेस्ट सीरीज होता है, और एकलव्य टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट और यूनिट टेस्ट सब अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने जब से स्टार्ट किया बैच तब से ही टेस्ट सीरीज शुरू से ही होता रहा है। क्लास के पहले फिजिक्स का टेस्ट जिसमें कि एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री का टेस्ट, इसी तरह से बायोलॉजी का भी होता था कि एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस और भी आधे घंटे में करना होता था। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते थे। फिर उसके बाद टेस्ट का डिस्कशन, आपकी क्या गलतियाँ रही हैं आप उसको देखिए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो NCERT में दिया हुआ है, NCERT से बाहर का है तो अगर NCERT के बाहर का नहीं है तो फिर आपको क्यों नहीं हो रहा है, आप दोबारा उसको पढ़िए, आपने जो गलतियाँ की अपनी उस गलतियों को सुधारिए। और यहाँ पे तो टेस्ट इतने सारे टेस्ट होते थे, वो भी हर लेवल के टेस्ट, कुछ आसान भी पेपर, कुछ टफ भी पेपर ऐसे होते थे कि जब हम लोग एक्चुअल में नीट एग्जाम में गए तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग टेस्ट ही दे रहे हैं, कुछ नया लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चन तो हम लोग टेस्ट में कहीं ना कहीं दे चुके हैं, कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक के हर एक लाइन से यहाँ पे टेस्ट होता था, अलग से इनऑर्गेनिक का स्पेशल टॉपिक का, जैसे हम लोग बोलते थे कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस पर अलग से टेस्ट हो जाता था। तो फिर जब एग्जाम में गए तो लगता था अरे यार ये तो सब पहले से किया हुआ है, इसमें कुछ नया है ही नहीं, ऐसे लगता था सर। बेटा अपने SKR सर के बारे में जो फिजिक्स के पूर्वांचल में क्या है एक तरह से मुकाम बनाए हैं जो, उनके बारे में क्या बताना चाह रहे हो बेटा? कि वो फिजिक्स का उनका एक जो अलग अंदाज है पढ़ाने का जो हर बच्चा ढूंढते हुए उनके लिए आता है, बेटा तुम क्या फील किए? सर की हर बातों को मैंने एकदम आंख बंद करके फॉलो किया। वो जैसे हमेशा कहते थे कि कोई भी चैप्टर तुमने पढ़ा तो उसकी फॉर्मूले को लिख लिख के याद करो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटे में कर लो, और सुबह उठ रही हो टहल रही हो तो शॉर्ट नोट्स को लो, उसको पढ़ लो, सारे फॉर्मूले पढ़ लो और छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाओ। और वो क्या होता था ना, क्लास में ही वो NCERT भी पढ़ा दिया करते थे। फिजिक्स के NCERT जनरली लोग नहीं पढ़ना चाहते कि फिजिक्स के NCERT कौन पढ़ता है, लेकिन वो जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता था तो NCERT के सारे क्वेश्चंस, NCERT में जो टॉपिक एज इट इज जो क्लास में डिस्कस कराते थे। तो इससे क्या होता था कि जैसे NCERT के क्वेश्चंस डायरेक्ट नीट में आ जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आते थे तो हम लोगों को सॉल्व करने की भी जरूरत कई बार नहीं होती थी, लगता था अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, तो आंसर हम लोग को याद हो जाया करते थे कई कई के, तो ऐसे हो जाते थे। और पूरा एग्जाम्पलर वगैरह वो सब क्लास में ही डिस्कस करवा देते थे। तो बेटा एक जो फिजिक्स का डर रहता है वो क्या तुम मानती हो SKR सर के सानिध्य में आने से वो फिजिक्स का डर क्या है स्टूडेंट के एक तरह से कहिए दूर हो जाता है, इस चीज की जरूर मानती हो तुम? हाँ सर, अरे फिजिक्स का डर मेडिकल के फील्ड में क्या होता है, बच्चों का डर क्या होता है, एक फोबिया होता है फिजिक्स का, तो डर क्या है एक तरह से तुम कहो SKR सर
उस फोबिया का क्या है निकाल देते हैं, दूर करा देते हैं, उससे मानती हो एग्री हो उससे? हाँ सर बिल्कुल, फिजिक्स का स्टार्टिंग में मुझे भी फिजिक्स से थोड़ा डर लगता था कि सर एक तो क्योंकि तुम यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड से थे तो मैथ्स से थोड़ा कनेक्शन कहीं ना कहीं दूर हो गया थोड़ा, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सर जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कराते कराते वो कब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे पता ही नहीं चलता था, और ये फिजिक्स का डर तो फिर भूल ही गया कि अच्छा फिजिक्स का डर भी कुछ है या ऐसा कुछ। और बेटा ये कह रहे हैं जो कुछ बच्चे जो रह गए हैं कुछ नंबर से, मान ली 560 आए, 570 80 आया, उनके बारे में थोड़ा कुछ ऐसा है दो कि वो भी बच्चे उससे इम्प्रेस हों, तुमसे एक पॉजिटिव सीख लें कि ये बच्ची क्या है आज इस मुकाम पे पहुंची है। मैंने हमारे कहने का मतलब है जो कुछ नंबर से बेचारे रुक गए हैं बच्चे, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगी? देखिए आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, एनर्जी कंजर्व होती है सबको पता है। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव वर्क में वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसका आउटकम भी आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही। बस यही है कि आप अपनी हिम्मत कभी ना हारें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी ना लूज होने दें, और पढ़ाई करते रहें, उसकी सफलता तो आपको आज नहीं तो कल मिलनी ही है। और एनसीईआरटी से एकदम डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको बस एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। उससे अलावा अगर आप जितना दूर होते जाएंगे आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, कॉन्फिडेंस एकदम रखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, बायोलॉजी के भी शॉर्ट नोट्स बनाएं, इनऑर्गेनिक में भी जो ट्रेंड उतने होते हैं या फिर जो भी है इनऑर्गेनिक में जो कि एक्सेप्शन वगैरह है उन सबों को एक जगह लिख लें, शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको याद करें। अच्छा बेटा तुम पूर्वांचल जो हमारा थोड़ा क्या बेल्ट माना जाता है कि थोड़ा भी कुछ कमियाँ हैं यहाँ एजुकेशन के फील्ड में, तो हम लोग एक गुरुकुल जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में तुम क्या एनालाइज कर दिए कि पूर्वांचल के बच्चों को इसकी तरफ आना चाहिए, यहाँ एक माहौल अच्छा है, सिलेक्शन रेशियो अच्छा है, उसको क्या आप किस तरीके से देखते हो, क्या ये संस्थान एक तरह से पूर्वांचल के लिए एक वरदान है कि नहीं बेटा? सर देखिए अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो पूर्वांचल हो या छोटी कोचिंग हो, छोटा संस्थान हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ पे जिस तरीके से सब लोग बच्चों का सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हमेशा लगे रहते हैं, टेस्ट होना है तो टेस्ट के बाद डिस्कशन करते हैं, सारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, आप उनको फोन कॉल्स पे करिए, आप उनसे पर्सनली मिलिए, ये सब हमेशा होता है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप पूर्वांचल में हैं या फिर यहाँ पे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं, हर साल यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट होते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल से ही पढ़ा, इसके अलावा मैंने ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, मुझे कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई कि मेरे टेस्ट सीरीज और कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए, कभी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं ज्वाइन किया। सूरी सर का फिजिकल मैंने बस सूरी सर का फिजिकल पढ़ा, ए सर इनऑर्गेनिक ए सर से पूरा पढ़ा मैंने, और इसके आर सर फिजिक्स में तो है ही सब। बेटा और बेटा भविष्य में अब डॉक्टर तुम बनने जा रही हो, देश के लिए क्या या समाज के लिए क्या तुम अपने एक मन में क्या चलता है कि क्या हम डॉक्टर बन के समाज के लिए क्या देना चाहेंगे, एक स्थान क्या जो होते हैं बेटा एक मैसेज की तरह, जैसे समाज के लिए होता है ना कि हम डॉक्टर बन गए हैं या बनने जा रहे हैं, तो हम एक समाज के लिए कुछ देना चाहेंगे? सर डॉक्टर का अपने आप में ही बड़ा रोल होता है, और जैसा कि मेरे पापा मेडिकल डिपार्टमेंट में ही थे तो मेरा थोड़ा आना जाना लगा रहता था, तो वहाँ पेशेंट्स को ऐसे देखना कि वो कितने दर्द में है या फिर जो भी है, तो एक लगता था कि हम भी सेवा करेंगे ऐसा करके कि हम भी डॉक्टर बनेंगे और इनको ट्रीट करेंगे। फिर मेरी मम्मी का पिछले साल ऑपरेशन भी था तो बीआरडी में भी बहुत सारा आना जाना लगा, तो वहाँ पे भी एक डॉक्टर का सम्मान दिखता था कि डॉक्टर कितना जरूरी होता है, तो मेरे भी मन में था कि हम भी अपना डॉक्टर बनेंगे और सेवा देंगे सबको ठीक करेंगे। और मेरे सफर में मेरे पापा का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, हमेशा से पापा सोचते थे कि नहीं डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी, मेरा सारा कमाई मेरी बेटी ही है, तो इस तरीके से। और सर आप भी कुछ बताइए कि बच्चे की सफलता पे आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं सर? सर बच्चे की सफलता को बच्ची खुद अपने आप में बहुत एक स्ट्रगल और एक मेहनत की है, मेहनत में और उसमें कोई जरूरी नहीं है मेहनत में, ये बहुत स्ट्रगल और बहुत मतलब कॉन्फिडेंस जो उसे कहते हैं उस तरीके से कॉन्फिडेंस के तरीके से पढ़ती थी घर में, और बहुत मतलब एक सूझबूझ से, बाकी कभी कोई ऐसा हमारे ऊपर कोई प्रेशर हमारी बच्ची नहीं डाली कि पापा हमको ये चाहिए वो चाहिए ऐसा वैसा, जो जल संसाधन हमारे तरफ से थोड़ा बहुत या जैसा भी होता था उसी में अपने आप को इन्होंने एडजस्ट करके और अपनी सफलता को यहाँ तक पहुँचाई है। ठीक है सर, आप लोग आए बच्ची को लेके आए और पापा तो भी तुम्हारे गार्जियन भी आए, मम्मी भी कल आई थी,
बेटा आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है बेटा।